और बड़ी खबर आपको बता दें, बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के विवादित बोल सामने आए हैं, जहां सांसद मंत्री मजबूरी में करते हैं धन की चोरी, उन्होंने कहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार सांसद को नहीं देती है पर्याप्त सुविधाएं। ये बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के विवादित बोल हैं, जहां उन्होंने कहा है कि सांसद मंत्री मजबूरी में धन की चोरी करते हैं, वहीं सरकार सांसद को नहीं देती है पर्याप्त सुविधाएं। आपको बता दें कि ये विवादित बोल बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग हमसे अपेक्षा ना करें। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के ये अनोखे बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि सांसद मंत्री मजबूरी में धन की चोरी करते हैं, सरकार सांसद को नहीं देती है पर्याप्त सुविधाएं। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप लोग हमसे किसी भी चीज की अपेक्षा ना करें। एक सांसद अगर ठीक प्रकार से अपने क्षेत्र में काम करे तो उसको 12 कर्मचारी रखने की आवश्यकता है। उसकी प्रॉब्लम समझिए, हमारे घर आप जाएंगे, सांसद जी पत्र लिख दीजिए, हम अगर टाइपिस्ट नहीं रखेंगे कहेंगे पत्र लिखवा लीजिए, आप क्या कहेंगे उनको? तो मुझे टाइपिस्ट भी रखना है, पानी पिलाने वाला भी रखना है, खाना खिलाने वाले भी रखना, और इस के नाम को मिलता है एक पीएम को मिलता है। और आपको बता दें कि ये सांसद बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के बिगड़े बोल थे, जहां वो कह रहे थे कि मंत्रियों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उनका ये भी कहना था कि मजबूरी में सारे मंत्री धन की चोरी करते हैं। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के विवादित बोल लगातार जो है, हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता विवादित बयान देते रहते हैं। इसी बीच बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के भी एक विवादित बोल सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री मजबूरी में धन की चोरी करते हैं और सरकार सांसद को नहीं देती है पर्याप्त सुविधाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप लोग हमसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा ना करें।